प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत पार्ट थ्री में इस वीडियो में हम सामाजिक समूह के अंतर्गत द्वितीयक समूहों की चर्चा करेंगे। द्वितीयक समूहों का सामाजिक जीवन में महत्व। द्वितीयक समूहों का सामाजिक जीवन में अनेकानेक तरीके से महत्व है। नंबर एक, सामाजिक प्रगति व विकास में सहायक। द्वितीयक समूह की सदस्यता व्यक्ति को सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करती है। व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है, जिससे वह अधिक कर्मठ व सक्रिय बनता है। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि यदि समाज में किसी प्रकार आगे बढ़ने की इच्छा ना होगी तब तो व्यक्ति अकर्मण्य ही बन जाएगा। लेकिन यदि उसमें अपने विकास के लिए जिज्ञासा होगी तो वह प्रयास करके अपनी प्रगति कर ही लेगा। नंबर दो, व्यक्ति में जागरूकता का विकास। द्वितीयक समूह पुरानी रूढ़ियों, प्रथाओं व अंधविश्वासों को हटाकर व्यक्ति को जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ये व्यक्ति में विवेक उत्पन्न कर पुराने अंधविश्वासों को हटाकर उन्हें तार्किक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर तीन, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। द्वितीयक समूह नवीन प्रेरणाएं देकर मनुष्यों को कर्मठ और कुशल बनाते हैं, जिससे वे श्रम के महत्व को समझकर हर कठिन कार्य करने के लिए तथा अपनी प्रगति के लिए तत्पर रहते हैं। विभिन्न संस्थाएं जैसे राष्ट्र क्लब, आर्थिक साहित्यिक समूह, राजनीतिक पार्टियां, शिक्षण संस्थाएं आदि इसके उदाहरण हैं। नंबर चार, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए द्वितीयक समूह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पुलिस कानून, राजनीतिक प्रशासन आदि समाजोपयोगी नियम बनाकर विभिन्न संगठनों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण व व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जिससे समाज का कार्य सुचारू रूप से चलता है। द्वितीयक समूहों के अपकार्य। नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक व तकनीकी साधनों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप द्वितीयक समूहों की संख्या तीव्रता से बढ़ रही है, जिससे महानगर बनते जा रहे हैं जो एक बृहद समाज का रूप ले रहे हैं। इन द्वितीयक समूहों ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। इतने विस्तृत समाज में व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्वार्थ से प्रभावित हो गया है। जैसे बड़े बड़े कार्यालयों में जहां व्यक्ति 8 से 10 घंटे कार्य करता है, जिनके साथ कार्य करता है उनके नाम तक नहीं जानता, केवल स्वयं तक सीमित होकर रह गया। इसका परिणाम क्या होता है कि परस्पर सहयोग, सहानुभूति, सहकारिता जैसी भावनाएं तुरोहित हो जाती हैं। जीवन की व्यस्तता ने व्यक्ति को एकाकी बना दिया है। इतने बड़े समूह में रहकर व्यक्ति अपने आप को निस्सहाय, अकेला मानता है, धीरे धीरे समाज से भी दूर होता जाता है, जिससे उसमें अनेक कुंठाएं, तनाव, घुटन जैसी प्रवृत्ति घर कर गई है। आज व्यक्ति इतना तनावग्रस्त रहता है कि उसके पारिवारिक संबंधों में भी दरार पड़ गई है और पारिवारिक विघटन जैसे वातावरण ने उसे अपने आप से ही पराया बना दिया है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन के कारण व्यक्ति अपने हितों को महत्व देने लगा, जिससे तनाव, घुटन, संघर्ष बढ़ रहा है। संबंधों में औपचारिकता आ गई है। व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता है, केवल उन्हीं से संबंध बने रहते हैं जिनसे स्वार्थ सिद्धि होती है। परिणाम, मनुष्य का मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ रहा है। प्राथमिक संबंध जैसे पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र भी समाज की आवश्यकताएं शिथिल हो रही है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि प्राथमिक समूह भी अपने मूल रूप को बदल रहे हैं। प्राथमिक व द्वितीयक समूहों में अंतर। इनमें निम्नलिखित अंतर है। नंबर एक, प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या न्यून होती है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। नंबर दो, प्राथमिक समूह में संबंध स्थायित्व होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध अस्थायी होते हैं। नंबर तीन, प्राथमिक समूह में संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में निरंतरता का अभाव होता है। नंबर चार, प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के संबंध आंतरिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में व्यक्तियों के संबंध बाह्य होते हैं। आभासी समूह अथवा अर्ध प्राथमिक समूह। आभासी समूह का संप्रत्यय चार्ल्स कुले का दिया हुआ है। आभासी समूह नाम उन समूहों को दिया गया है जो प्राथमिक समूह के नजदीकी होते हैं अथवा इनमें प्राथमिक समूह की विशेषताओं का अभाव आभास होता है, किंतु ये पूर्णतया प्राथमिक समूहों के समान नहीं होते, अतः इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह भी कहा जाता है।
समाजशास्त्री बॉटोमोर आभासी समूह की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक हो सकते हैं। बॉटोमोर का मानना है कि अर्ध समूह पूर्णतः समूह नहीं होते किंतु भविष्य में समूह का रूप धारण कर सकते हैं। इन्होंने सामाजिक वर्ग, प्रस्तुति समूह, आयु, लिंग आदि को अर्ध समूह माना है। एसी मेयर ने अर्ध समूहों को दो भागों में बांटा है, वर्गीकृत अर्ध समूह जिनमें सदस्यों की सामाजिक प्रस्तुति एवं हित समान होते हैं और वे कभी भी संगठित होकर समूह का निर्माण कर सकते हैं। नंबर दो, अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। इन समूहों में संगठन तो होता है किंतु अहंकार की प्रबल भावना होने के कारण व्यक्तियों में परस्पर अंतःक्रिया नकारात्मक होती है और जब अंतःक्रिया सकारात्मक हो जाती है तो अपने संगठन के बल पर ये अर्ध समूह में बदल जाता है। प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह में अंतर। प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह में निम्नलिखित अंतर हैं। नंबर एक, प्राथमिक समूहों का निर्माण स्वतः होता है जबकि अर्ध प्राथमिक समूहों का निर्माण आवश्यकता अनुसार किया जाता है। नंबर दो, प्राथमिक समूहों का आकार बहुत छोटा होता है जबकि अर्ध प्राथमिक समूह आकार में बड़े होते हैं। नंबर तीन, प्राथमिक समूह स्थायी होते हैं जबकि अर्ध प्राथमिक समूह अस्थायी होते हैं। नंबर चार, प्राथमिक समूहों के सदस्यों में एकीकरण की भावना अधिक होती है जबकि अर्ध प्राथमिक समूहों में संगठन कुछ समय के लिए ही रहता है। नंबर पांच, प्राथमिक समूह व्यक्ति को संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करते हैं जबकि अर्ध प्राथमिक समूह कुछ विशेष उद्देश्यों व व्यवहारों से संबंधित होते हैं। धन्यवाद।